अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके केमिस्ट्री लेक्चर्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, कि हम किस तरीके से पेट्रोलियम की क्रैकिंग करवाते हैं या क्रैकिंग का मतलब क्या होता है। हम सबसे पहले उसके डिफाइन के बारे में पढ़ते हैं। क्रैकिंग होती क्या है? क्रैकिंग होता है ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स इंटो लोअर हाइड्रोकार्बन्स। हम बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन्स को ना ब्रेक करवाते हैं छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, ठीक है। तो इसके इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास है C16H34। ये जो C16H34, इसका नाम है हेक्साडेकेन, ठीक है। इसको हेक्साडेकेन कहते हैं। 16 कार्बन नज़र आ रहे हैं, मतलब एक हायर हाइड्रोकार्बन्स है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन्स इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। जब हम इसको ब्रेक करवाते हैं, ब्रेक करवाने के लिए क्या होगा, हमें हीट देनी पड़ेगी। उसको तोड़ने के लिए हमें उसको हीट देनी पड़ेगी। 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम उसको हीट देते हैं। तो ये जो C16 है ना, H34 हेक्साडेकेन है, ये छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन्स के अंदर ब्रेक होता है। ये हेक्साडेकेन एन हेप्टेन के अंदर ब्रेक होता है, ये इथीन के अंदर ब्रेक होता है, ये प्रोपीन के अंदर ब्रेक होता है, ठीक है। ये इसके 3 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये होता हमारे पास हेक्साडेकेन। होता क्या है कि अब हम क्रैकिंग को इसके मुताबिक डिफाइन करते हैं ना, ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स इंटो लोअर हाइड्रोकार्बन्स इज कॉल्ड क्रैकिंग, ठीक है, एट 700 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ तक अभी हमने ये डिफाइन पढ़ी। मतलब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास एक लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स है, इसकी लॉन्ग चेन को तोड़ के हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन्स के अंदर छोटी छोटी चेन्स बना लेते हैं, ठीक है। तो वो अच्छी क्वालिटी की गैसोलीन मिलेगी हमें। तो अगर इसकी डिफाइन को मज़ीद हम मॉडिफाइड करें तो वो क्या होगी कि क्रैकिंग ब्रेकिंग होती है ना, तो इसकी जो ब्रेकिंग हम करवाते हैं यहाँ पे, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना वो हाई होता है, ठीक है। इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ये लेस वॉलेटाइल होता है। जबकि ये जो हमारे पास लोअर हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वो लो होता है, और ये मोर वॉलेटाइल होते हैं, मतलब इनमें उड़ने की सलाहियत ज़्यादा होती है। तो अगर हम अब इसको डिफ़ाइन करें तो हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट इंटो लोअर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट एट 700 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ कॉल्ड क्रैकिंग, ठीक है, समझ आ गई। अब हमने लास्ट टाइम जो लेक्चर दिया था, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि जो पेट्रोलियम होता है ना, जब इसकी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो हमारे पास गैसोलीन मिलती है हमें, ठीक है। तो वो जो गैसोलीन होती है वो 20% हमें पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से गैसोलीन मिलती है, जो कि हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं कर रही। 20% से हमारी डिमांड नहीं पूरा हो रही, इसलिए हम पेट्रोलियम की क्या करवाते हैं, क्रैकिंग करवाते हैं, जिससे हमें मज़ीद गैसोलीन मिलती है। और वो जो गैसोलीन हमें मिलती है वो हमें केरोसिन ऑयल और डीजल ऑयल की जब हम मतलब करवाते हैं ना क्रैकिंग, तो हमें गैसोलीन मिलती है। अब ये जो हमें इसमें से फ्यूल या गैसोलीन मिल रही है वो हाई क्वालिटी गैसोलीन है या लो क्वालिटी गैसोलीन है, वो डिपेंड करता है कि जो हमने क्रैकिंग करवाई है ना वो किन कंडीशंस के अंदर करवाई है। वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि हमने किन कंडीशंस पे क्रैकिंग करवाई है, मतलब उसको हम टाइप्स ऑफ क्रैकिंग के अंदर भी लिखते हैं कि अच्छी अगर हमने कंडीशंस अप्लाई की हैं तो हमें हाई क्वालिटी का गैसोलीन मिलेगा, वरना हमें लो क्वालिटी का गैसोलीन मिलेगा। अब टाइप्स ऑफ क्रैकिंग कितनी है, 3 टाइप्स की होती है क्रैकिंग, ठीक है। क्रैकिंग की टाइप्स कितनी है, 3 टाइप्स है क्रैकिंग की। जो पहली टाइप है ना क्रैकिंग की, वो है हमारे पास थर्मल क्रैकिंग।
थर्मल क्रैकिंग के नाम से ही हमें पता चल रहा है इसके अंदर क्या हो गई, हीट हो गई। हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो ये थर्मल क्रैकिंग होती है, थर्म मतलब क्या होता है, हीट होता है। जो थर्मल क्रैकिंग होती है ना वो हम हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे करवाते हैं। ठीक है, ये जो थर्मल क्रैकिंग होती है ना वो हम हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ये वाली क्रैकिंग करवाते हैं, और इससे जो हमें प्रोडक्ट मिलती है ना वो हमारे पास होती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इससे जो प्रोडक्ट बनती है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होती हैं, जिसके अंदर आ जाता है हमारे पास प्रोपीन आ जाती है, ब्यूटीन भी आ जाती है, इथीन आ जाती है। अनसैचुरेशन का मतलब क्या होता है कि उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग थर्मल क्रैकिंग को डिफाइन करना चाहें तो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे, हम कहेंगे ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड थर्मल क्रैकिंग। ठीक है, ब्रेकिंग हायर हाइड्रोकार्बन्स को हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हमने ब्रेक करवाया, उस क्रैकिंग को हम थर्मल क्रैकिंग कहेंगे। और जो प्रोडक्ट बनती है, द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग थर्मल क्रैकिंग इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इथेन एंड प्रोपीन, मोस्टली यही प्रोडक्ट बनती है इसमें। जो सेकेंड टाइप है ना इसकी क्रैकिंग की, वो है हमारे पास कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिटिक क्रैकिंग के अंदर क्या होता है, कैटालिटिक क्रैकिंग जैसे नेम से हमें पता चल रहा है इसमें क्या यूज़ होता होगा, कैटालिस्ट यूज़ होता है। ठीक है, कैटालिस्ट यूज़ होता है तो ये कॉस्टली होती है थोड़ी। ये जो कंडीशंस, इसकी कंडीशंस क्या, इसकी कंडीशन तो हाई टेम्परेचर था, हाई प्रेशर था। जो इसकी कंडीशन है कैटालिटिक क्रैकिंग की, इसमें हम ये लो टेम्परेचर पे करवाते हैं और ये हम लो प्रेशर पे करवाते हैं। लो टेम्परेचर जो है वो हम रखते हैं 500 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो लो प्रेशर है वो हम रखते हैं 280 एम। ठीक है, ये हम क्या करवाते हैं, ब्रेक करवा रहे होते हैं हायर हाइड्रोकार्बन्स को लो टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड एंड लो प्रेशर 280 एम इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, सूटेबल कैटालिस्ट। और जो कैटालिस्ट है हम इसके अंदर यूज़ करते हैं, वो कैटालिस्ट कौन सा हम इसके अंदर यूज़ करते हैं, वो मोस्टली हम टू कैटालिस्ट यूज़ करते हैं इसके अंदर। वो एक है हमारे पास सिलिका, दूसरा हमारे पास एलुमिना। ये दो कैटालिस्ट हम यूज़ करते हैं, तो इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनती है ना हमारे पास कैटालिटिक क्रैकिंग के नतीजे में, वो हमारे पास होती है गुड क्वालिटी गैसोलीन। गुड क्वालिटी की गैसोलीन हमें हासिल होती है जिसमें क्या होता है, ऑक्टेन नंबर हाई होता है। अब ऑक्टेन नंबर क्या होता है, ये ऐसा नंबर होता है जो हमें गैसोलीन की मतलब इंडिकेट करवाता है गैसोलीन की क्वालिटी के बारे में। ठीक है, इंडिकेट करता है गैसोलीन की क्वालिटी को, उसे हम कहते हैं ऑक्टेन नंबर। जितना ज़्यादा ऑक्टेन नंबर हमारे पास ज़्यादा होगा ना, हाई होगा, उतनी ही किसी गैसोलीन की क्वालिटी, पेट्रोल की क्वालिटी जो होती है वो अच्छी होती है। अगर हम कैटालिटिक क्रैकिंग को डिफाइन करना चाहें तो हम क्या कहेंगे, ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स एट लो टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड एंड लो प्रेशर 280 एम इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल कैटालिस्ट सिलिका एंड एलुमिना इज कॉल्ड कैटालिटिक क्रैकिंग, एंड कैटालिटिक क्रैकिंग प्रोड्यूस अ गुड क्वालिटी गैसोलीन विच हैज हाई ऑक्टेन नंबर। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, हाई ऑक्टेन नंबर होते हैं। जो हमारे पास लास्ट और थर्ड मतलब जो है ना इसके टाइप, वो है हमारे पास थर्मल स्टीम क्रैकिंग।
स्टीम क्रैकिंग हम क्या कैसे करवाते हैं? स्टीम का मतलब होता है वेपर्स। इसमें क्या यूज्ड होंगे? वेपर्स यूज्ड होंगे। हम क्या करते हैं, हायर हाइड्रोकार्बन्स को मिक्स करवाते हैं वेपर्स के साथ। हायर हाइड्रोकार्बन्स को मिक्स करवाते हैं वेपर्स के साथ। जो हम टेम्परेचर रखते होते हैं वो हमारे पास होता है 900 डिग्री सेंटीग्रेड। हम पहले क्या करवाते हैं, ब्रेकिंग ऑफ, इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें, ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन बाय मिक्सिंग देम विद स्टीम एट 900 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड कैटालिटिक क्रेकिंग। ठीक है, कैटालिटिक क्रेकिंग हमारे पास जो होती है ना, इसमें मतलब कौन सी प्रोडक्ट बनती है, ये हमें देती है लोअर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इससे हमें लोअर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स बाय मिक्सिंग देम विद स्टीम एट 900 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड स्टीम क्रैकिंग एंड दिस स्टीम क्रैकिंग प्रोड्यूस्ड अ लोअर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हम इसको हीट करवाने के बाद उसको रैपिडली कूल भी कर लेते हैं। इसका जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है कि हम एक हमारे पास बिकर है उसमें हम हाइड्रोकार्बन्स ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करवाते हैं, हीट करवाते हैं। हीट करवाते हैं तो इसके वेपर्स बनते हैं। हम एक दूसरा बीकर लेते हैं, उसमें हम H2O के मॉलिक्यूल लेते हैं। इसको जब इसके भी वेपर्स बना लेते हैं हम लोग, हम थर्ड बीकर लेते हैं। ठीक है, उसमें हम इन दोनों के वेपर्स को क्या करते हैं, मिक्स कर लेते हैं। इन दोनों के जब वेपर्स को हम मिक्स करेंगे 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो जो ब्रेक हायर हाइड्रोकार्बन्स होती हैं वो लोअर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर ब्रेक होती हैं और वो हमें अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मिल जाती हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टीम क्रैकिंग। ठीक है, आपने पढ़ा कि हमने तीनों प्रोसेस पढ़ लिए कि किस तरीके से हमारे पास जो होती है क्रैकिंग होती है और किन कंडीशंस के ऊपर क्रैकिंग होती है। तो इन तीनों में से जो बेस्ट है ना, जिससे हमारे पास अच्छे क्वालिटी का गैसोलीन मिलता है, वो हमारे पास कैटालिटिक क्रैकिंग होती है। ये थोड़ी कॉस्टली होगी लेकिन इसके अंदर हमारे पास गुड क्वालिटी का गैसोलीन मिलता है। अगर हम यूजेस देखें कि हम क्रैकिंग को यूज़ कहाँ कहाँ हो रही है, तो सबसे पहले हम देखें थर्मल क्रैकिंग के अंदर हम क्या करते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। कैटालिटिक क्रैकिंग हमें गुड क्वालिटी का गैसोलीन देती है, स्टीम क्रैकिंग हमें लोअर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स देती है। अनसेचुरेटेड, लोअर अनसेचुरेटेड का मतलब क्या है कि मोस्टली इसके अंदर शॉर्ट चेन वाले हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और ये जो क्रैकिंग होती है ना, इससे हमारी यील्ड ऑफ गैसोलीन इंक्रीज हो रही है और इसके जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो मुख्तलिफ मतलब चीज़ें बनाने के लिए यूज़ हो रहे हैं। जैसे हमारे पास वो डिटर्जेंट्स बनाने के लिए, प्लास्टिक्स बनाने के लिए, सिंथेटिक फाइबर्स बनाने के लिए इसको हम यूज़ कर रहे हैं। मैं इसको रिवाइज कर देती हूँ एक दफ़ा। क्रैकिंग, सबसे पहले हमने देखा था क्रैकिंग क्या होती है। क्रैकिंग होता है ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट एट 700 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड क्रैकिंग। ठीक है, 20% जो गैसोलीन मिलती है हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मिलती है, लेकिन वो हमारी डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर रही, तो हम क्या करवाते हैं, पेट्रोलियम की क्रैकिंग करवाते हैं। ठीक है, तो इसकी मुख्तलिफ कंडीशंस पे हम क्रैकिंग करवाते हैं तो हमें मुख्तलिफ तरह की गैसोलीन मिलती है, मतलब हाई क्वालिटी का गैसोलीन भी मिलेगा हमें, लो क्वालिटी का गैसोलीन भी मिलेगा। तो जो थर्मल क्रैकिंग है उसको हम हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे करवाते हैं तो हमारे पास अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आते हैं। जो कैटालिटिक क्रैकिंग है वो हम लो टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड और लो ही प्रेशर पे करवाते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आती है वो गुड क्वालिटी गैसोलीन होता है। और गुड क्वालिटी का मतलब इसमें ऑक्टेन नंबर की अमाउंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। जो स्टीम क्रैकिंग है वो हम उसको वेपर्स के अंदर मिक्स करके करवाते हैं तो हमारे पास लोअर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आते हैं। वो भी एक अच्छी मतलब क्रैकिंग है, लेकिन लोअर अनसेचुरेटेड के अंदर क्या होगा कि स्मॉल चेन होगी। तो आपको, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।